Hello and welcome back dear parents in our channel Do Maths. Dear parents, current educational scenario का हमने लगभग सब कुछ complete कर लिया है और अब हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा हमारे lectures नहीं बचे हैं. कुछ हमारे full form वाले sections रह गए थे, तो full form वाले sections को हम, जैसा कि आप जानते हैं कि इन four sections के अंतर्गत हम करते हैं, तो full form वाले को हमने miscellaneous part के अंतर्गत रखा हुआ है और हमारा इस समय miscellaneous part ही चल रहा है. बाकी के ऊपर के तीनों section आपके complete करा दिए जा चुके हैं. उसके साथ ही साथ जो बच्चे मैथमेटिक्स ग्रुप से अपना फॉर्म फिल किए हैं, वो बच्चे इसी चैनल से प्लेलिस्ट में जा करके मैथमेटिक्स के वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं. और वो वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बल्कि अगर आपने बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी फॉर्म फिल किया है तो आपको उसमें भी सहयोग मिलेगा. अपने आप और दूसरों को भी, जो लोग इसके लिए जिनको ज़रूरत है इसकी, उसको बताएँ आप और वो भी इसका लाभ उठा सकें. फुल फॉर्म वाला वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा होगा, इस वजह से हम इसको दो पार्ट में करेंगे. पहले पार्ट में हमने कुछ हद तक जो इम्पोर्टेंट, देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे सामने फुल फॉर्म हम नज़र आए हैं, हमने उन्हीं फुल फॉर्म्स को अपने इस लेक्चर में ऐड किया है. और आपको क्या करना है कि इन फुल फॉर्म से दो चार बार आपको गो थ्रू हो जाना है, क्योंकि फुल फॉर्म कई आपको इसमें पता होंगे, तो जो जो फुल फॉर्म्स आपको पता होंगे उनको आप टिक करते जाएंगे और उसके बाद जो नहीं पता होंगे उनको आप अगले बार रिवाइज करते रहें. इस प्रकार से दो चार बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये फुल फॉर्म्स याद हो जाएंगे. आइए बात करते हैं क्या रह गया. अब देखिए इन फुल फॉर्म्स के बारे में जब हम बात कर लेंगे, उसके बाद हमारा जो इसके बाद का जो सेक्शन होगा वो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का होगा, जो कि 30 कंपलसरी क्वेश्चन जो कि सभी ग्रुप्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे. तो आइए बात करते हैं फुल फॉर्म के बारे में. ADB के बारे में आप जानते हैं, इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता है और ये एशिया में विभिन्न प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं उन सभी में ये फंडिंग करता है और एशिया के विकास में ये मदद करता है. जिस प्रकार से आप देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक विश्व में विभिन्न देशों में विकास के लिए धन देता है, उसी प्रकार से जो हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है इसमें ये ADB कार्य करता है. ACDC का आपको पता ही होगा, अल्टरनेटिव करेंट. जो लोग फॉर इन केस जो लोग BA के हैं वो इसके बारे में जान लें कि क्या होता है अल्टरनेटिव करेंट, और DC का मतलब हो गया डायरेक्ट करेंट. तो इनका फुल फॉर्म भी आप याद रखें. एड्स का तो फुल फॉर्म आपको बचपन से रटा होगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इसे आप जानते ही होंगे. एम्स काफ़ी पॉपुलर है, इसके बारे में जान लें. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और एम्स हमारे देश में एक तरह से कह सकते हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसका एक टॉप जो इंस्टीट्यूशन होता है, उन इंस्टीट्यूशन की एक सीरीज है. कई सारे एम्स हमारे देश में कार्यरत हैं. AIR इट मीन्स ऑल इंडिया रेडियो. APC एग्रीकल्चरल प्राइज कमीशन, जो एग्रीकल्चर में विभिन्न प्रोडक्ट के जो प्राइस को तय करता है, APC उसका फुल फॉर्म है. APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये एक ट्रेड कॉरिडोर है, एक ट्रेड बेल्ट है एक तरह से समझें आप, किस प्रकार से एशिया और जो पैसिफिक के देश हैं उनको जोड़ा जाता है आपस में और इनके बीच में व्यापार करने की बात की जाती है. ARC का फुल मतलब होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. अब इसके बारे में देखिए सीधा सा मतलब समझ लें कि ARC क्या होता है, बहुत सिंपल से मैं बता देता हूँ आपको. फ़र्ज़ करिए कि आपने लोन ले रखा है और फिर आप किसी कारणों से लोन चुका नहीं पाते हैं, और जब ऐसा होता है तो जो जिस कंपनी से आपने लोन लिया होता है या फिर जिस बैंक से लिया होता है, तो वो क्या करते हैं, वो पैसा वसूली के लिए आपके पास आते हैं. लेकिन अब वो क्या करते हैं, अब वो खुद नहीं आते हैं, वो किसी दूसरे के माध्यम से वसूली करवाते हैं. तो सरकार ने क्या किया है, एक कंपनी स्थापित की है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि जो एसेट है, जो पैसा है, जो धन है, उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, इट मीन्स उसे वापस लेकर आया जाए. तो एक इस कंपनी के माध्यम से अब आपसे वसूली की जाएगी, तो इसे ही कहते हैं ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. ये इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है. एसेट की बात करें तो इसे हम कहते हैं एंटी सैटेलाइट वेपन, यानी वो सैटेलाइट वेपन जो दूसरे सैटेलाइट्स को मार गिरा सकें, उसके अंदर उसकी क्षमता है, और भारत ने भी ये क्षमता हासिल कर ली है. भारत भी अब जो लियो ऑर्बिट है, लोअर अर्थ ऑर्बिट है, उसमें तैर रहे जो सैटेलाइट्स हैं आपके, उनको वो मार गिरा सकता है. भारत के पास ये क्षमता आ गई है. बात करें अगर हम ASCII के बारे में बात करें, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, इसे ध्यान रखेंगे. आसियान जिसमें कि लगभग 10 देश आते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और ये दक्षिण पूर्व के जो देश हैं उनका आपस में एक संगठन है जिसके माध्यम से आपस में व्यापार इत्यादि सांस्कृतिक कल्चरल जो ढेर सारे डेवलपमेंटल वर्क होते हैं उन सब में वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसे हम आसियान बोलते हैं. ASLV क्या होता है, PSLV, GSLV, आपने इसका नाम बहुत सुना होगा.
आए दिन अखबार में आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ने को मिल ही जाता है। इसरो अक्सर ही PSLV या GSLV के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लॉन्चेज करता है, तो आपको इस आप इसके बारे में बहुत सुने होंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है एक प्रकार का रॉकेट होता है, ये सारे ही एक प्रकार के रॉकेट हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी उपग्रह को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में लेकर जाते हैं। इनका फुल फॉर्म अलग अलग है। ASLV में कह देते हैं ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो बस AP और G का अलग अलग जो है डिफरेंस, उसे ही आप याद रख लेंगे तो आपको ASLV, PSLV एंड GSLV का डिफरेंस पता चल जाएगा। और सबसे जो इसमें हैवी वाला है वो GSLV है, ये बहुत ही जो भारी उपग्रह होते हैं उनको भी ले जाने में सक्षम होता है। PSLV सबसे विश्वसनीय हमारा उपग्रह है, सॉरी जो रॉकेट है सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है ये, और इससे मिशन बहुत ही कम मिशन फेल हुए हैं। हालांकि जो हमारा चंद्रयान था, चंद्रयान 2 जो था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो वो लैंडर लैंडिंग के दौरान हमें समस्याएं देखने को मिली थी, लेकिन PSLV ने अपना काम पूरा कर दिया था उसमें। तो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय हमारा जो रॉकेट लॉन्चर है वो है PSLV, ओके, जो सैटेलाइट लॉन्च करता है। ASLV सबसे इनिशियल स्टेज में बना था, सबसे शुरुआती दौर में बना था, इसे हम ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं, ये कम वजन की सैटेलाइट्स को उठा पाता है। SOCHM की बात करें तो आपने SOCHM के बारे में अक्सर सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ATM के बारे में आप सभी जानते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो कुछ ऐसे भी फुल फॉर्म होंगे जिनके बारे में आपको पहले से नॉलेज होगा, कुछ फुल फॉर्म आपके लिए बिल्कुल नए हो सकते हैं, कुछ फुल फॉर्म के बारे में आप जानते तो होंगे लेकिन अच्छे से आपको याद नहीं होगा। तो आप अपने हिसाब से उसे टिक करते जाएंगे कि हाँ मुझे ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता, इसमें थोड़ा डाउट है, तो अगली बार अगले रिवीजन में आप जो डाउट वाले हैं और जिनके बारे में नहीं जानते हैं उनको ही रिवाइज करिएगा, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। बार की बात करते हैं BARC, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करते हैं, बहुत ही एक प्रोमिनेंट रिसर्च सेंटर हमारे देश में है ये एटॉमिक के फील्ड में। BBC आपने सुना होगा, आप इसके न्यूज़ भी देखते होंगे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, यही BBC है जो कि न्यूज़ देता है, ब्रॉडकास्ट करता है। BCG के बारे में बात करें तो इसे हम फुल फॉर्म कहते हैं बैसिलस कैलामिटी ग्यूरिन, और इसे हम यूज करते हैं एक एंटी ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन के रूप में, एंटी TB वैक्सीन के रूप में। तो अगर आपके ये एक GS का भी क्वेश्चन है, कई बार ECG का BCG का फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो BCG है इसका हम प्रयोग किस लिए करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। BIOS का अर्थ क्या हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर से संबंधित है। बॉस का फुल फॉर्म भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन। BPO का फुल फॉर्म बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो BPO के बारे में आपने ढेर सार बहुत सारी बातें सुनी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो अमेरिका की कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल एक कंपनी है, तो एप्पल कंपनी है तो एप्पल ने अपने ढेर सारे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रखे हैं और ढेर सारे उसके कस्टमर भी हैं, और जब कस्टमर ढेर सारे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि कुछ समस्याएं भी आएंगी कस्टमर्स को, और जब वो समस्याएं आएंगी तो समस्याएं कहाँ जाएंगी, समस्याएं डील करने के लिए उनको कस्टमर केयर चाहिए। तो कस्टमर केयर कहाँ पे रहते हैं, वो रहते हैं इंडिया में। क्यों रहते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में अपेक्षाकृत अमेरिका से यहाँ पर कम पैसे दे करके काम हो जाता है, इट मीन्स कि यहाँ पर लेबर सस्ता है। तो जो एप्पल कंपनी होती है वो अपना बिजनेस जो क्या करती है, इंडिया में आउटसोर्स कर देती है, इट मीन्स कि इंडिया में उसके उसका काम इंडिया से हो रहा है, जबकि वो कंपनी सर्विस किसको दे रही है, अमेरिकन सिटीजन्स को दे रही है। तो इंडिया का जो कर्मचारी होगा वो अमेरिकन सिटीजन्स को उनके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या करेगा, उनकी समस्याओं को सुनेगा, उनकी समस्याओं को सुलझाएगा। तो इसे कहते हैं बिजनेस को आउटसोर्स कर देना, इट मीन्स कि जहाँ पे हम हैं, जिस जगह से हम काम कर रहे हैं सारा, वहाँ पे ना होकर के किसी और जगह से बिजनेस को आउटसोर्स करना, तो ये उसका मतलब होता है। तो BPO का मतलब ये होता है, जो आप सुनते होंगे कॉल सेंटर में जो लोग जॉब करते हैं वो BPOs ही, बेसिकली उन्हें BPOs ही कहा जाता है। तो बेसिक सॉरी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BRO की बात करें अगर, तो इसे हम एक रोड कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का, और ये जो हमारा जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे ये रोड कंस्ट्रक्शन करता है, सिर्फ रोड नहीं ब्रिजेस भी बनाता है और शेल्टर इत्यादि भी बनाता है। तो काफ़ी मल्टी डायमेंशनल अब इसका वर्क प्रोफाइल हो गया है, लेकिन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट संस्था है हमारे देश में सुरक्षा की दृष्टि से। BSF के बारे में आप सभी जानते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSE के बारे में भी आप जानते होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी प्रकार से NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका हम NSE का बाद में आगे लिखेंगे। BSNL का फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड। हाँ CAB के बारे में आपको मैंने बता भी रखा है करंट एजुकेशनल सिनेरियो के वीडियो में, तो इसका फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ध्यान रखें ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर नहीं है, तो CAG बोलते हैं इसे, CAG बोलते हैं। ये भारत सरकार के लेखाओं का जो है
जो वित्तीय विवरण होता है उसका लेखा जोखा रखता है, और उस एक तरह समझिए कि उसका विवेचना करता है, एक तरह से क्रॉस चेक करता है कि सब जगह सही तरीके से तो काम हो रहे हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं धांधली हो रही है। तो कै का कार्य वह होता है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAIR का फुल फॉर्म सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। इसी प्रकार CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको पता है, CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। देखिए जो भी फिल्में बनाई जाती हैं उन सभी फिल्मों को CBFC से क्या लेना होता है, प्रमाणन सर्टिफिकेट लेना होता है कि फिल्में जो हैं पास कर दी गई सेंसर बोर्ड के माध्यम से। और जो सेंसर बोर्ड है यही इन्हें विभिन्न प्रकार के कैटेगरी भी देता है, जैसे कि ये ए सर्टिफिकेट मिला है इसको, इसको ओ सर्टिफिकेट मिला है, इसको बी सर्टिफिकेट मिला है, सी सर्टिफिकेट मिला है, जो फिल्मों को दिया जाता है सर्टिफिकेट। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था होती है फिल्म लाइन में। तो CBFC का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। CDMA आप जानते हैं, इस प्रकार के पहले मोबाइल हमारे पास आते थे, मोबाइल सिम होते थे। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ये इसका फुल फॉर्म है। CIA का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और ये एक USA की एजेंसी है, जो कि जैसे जिस प्रकार से हमारे देश में CBI कार्य करती है उसी प्रकार से वहाँ पे CIA कार्य करती है। सिविल की बात करें तो सिविल एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है सिविल। देखिए इसका कार्य क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया, ओके, तो अब आपने लोन लिया है तो आप लोन किस प्रकार से चुका रहे हैं, क्या आप टाइमली अपने लोन को चुका रहे हैं या फिर आप डिले कर रहे हैं, तो ये आपका सारा जो लेखा जोखा है कि आप अच्छे एक कह सकते हैं कि एक अच्छे नागरिक के तौर पे आपने जो कर्ज ले रखा है उसको आप सही टाइम पे चुका रहे हैं, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग जो होगी वो बहुत ऊपर चली जाएगी, बहुत अच्छी आपकी क्रेडिट रेटिंग होगी। इट मीन्स कि मार्केट में आपकी जो वैल्यू है वो अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपने समय से लोन नहीं दिया है और आप बहुत लेट लतीफ़ी करते हैं तो फिर आपका जो क्रेडिट है वो बहुत ही ख़राब हो जाएगा, तो फिर अगली बार आपको लोन लेने में क्या होगी, समस्या होगी। तो उसी प्रकार से जो लोग भी लोन लेते हैं उनकी जो हिस्ट्री होती है, उनका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सिविल के पास होता है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। और कोई भी व्यक्ति जो किसी को लोन देना चाहता है, किसी कंपनी को, कोई भी बैंक, तो वो क्या कर सकता है, सिविल के माध्यम से उसका, उस व्यक्ति का या उस कंपनी का क्रेडिट स्कोर चेक कर सकता है, जिससे उसे ये पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति या ये कंपनी जो है पैसा वापस करने में कितना टाइमली देती है पैसा वापस। तो उससे क्या होगा, उसे पता रहेगा कि उस व्यक्ति को या उस कंपनी को पैसा देना है उधार या नहीं देना है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति या कंपनी पैसे को समय से नहीं लौटाती होगी तो ये सिविल के माध्यम से उसके बारे में जान जाएंगे और फिर ये उसको पैसा उधार नहीं देंगे, तो ये इसका फ़ायदा है। CIC के बारे में आप सभी जानते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, और CID के बारे में तो पता ही होगा, CID सीरियल भी काफ़ी देखे होंगे बहुत से लोग, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इसी प्रकार से आई बात करते हैं CIC के बारे में, तो CIC हो गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो हमने इसको हमारे ख्याल से हमने इसको दो बार कर लिया है, हाँ सॉरी, वो चीज़ें अगले PDF में आपकी रिपीट हो गई हैं, कोई बात नहीं। जिस प्रकार से हमने BSF का फुल फॉर्म देखा, BSF भी एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, उसी प्रकार से CISF और CRPF ये भी एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, और इनका फुल फॉर्म, CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का मतलब कि ये देश में हमारे जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन हैं, इट मीन्स कि जितने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हमारे देश में हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, CISF करती है। और CRPF के बारे में आप सभी जानते होंगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डील करती है, साथ ही साथ इलेक्शन ड्यूटी भी करती है, नक्सल एरिया में भी ड्यूटी करती है, जम्मू कश्मीर में भी ड्यूटी करती है, नॉर्थ ईस्ट में भी ड्यूटी करती है, और देश में कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य होता है उसके लिए CRPF को रेडी रखा जाता है। साइट्स की बात करते हैं, साइट्स CITES कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज़। हमारे देश में या फिर विश्व में जो भी जो जीव जंतु हैं अगर वो प्रभावित हैं, अगर वो वल्नरेबल हैं, अगर वो संकट में हैं, तो उनका जो ट्रेड इत्यादि है उसको मैनेज करने का कार्य कौन करता है, साइट करती है। CNG के बारे में आप जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क, इसके बारे में सुना होगा, एक प्रकार का चैनल है ये, तो केबल न्यूज़ नेटवर्क। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो पोल्यूशन जिस प्रकार से हमारे देश में फैल रहा है उस प्रकार से आप देखेंगे कि CPCB का एक जो कार्य है वो काफ़ी बहुत ही गंभीर हो जाता है और इसकी जवाबदेहिता बढ़ जाती है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी प्रकार से क्रिसिल, जैसे आपने देखा सिविल के बारे में, उसी प्रकार से क्रिसिल है क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें भी आप क्रेडिट रेटिंग चेक कर सकते हैं जिस प्रकार से आपने सिविल में चेक किया। ओके, CRR की बात करें तो CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। देखिए CRR वह दर होता है जिसके माध्यम से जो बैंक होते हैं वो RBI से क्या करते हैं, RBI को लोन देते हैं। ओके, तो ये CRR होता है जिसके माध्यम से जो RBI होती है वह यह सुनिश्चित करती है कि
जो बैंक हैं उनके पास कितना पैसा लिक्विड में हो, इट मीन्स कि उनके पास कितना करेंसी हो। इसी प्रकार से CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है, आप सभी जानते हैं, काफ़ी परिचित होंगे इससे। CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। CTBT क्या है? देखिए, जब US और रसिया जैसे देश लगातार अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे, तो उसके बाद एक समय ऐसा आया कि इन दोनों ही देशों को लगने लगा भाई कि न्यूक्लियर जो वेपन है ये पूरी मानवता के लिए खतरा है, बहुत बड़े खतरा है। तो इन्होंने सोचा कि अब इसको हम जो है क्या करेंगे, बैन करेंगे, बंद करेंगे, अब हम टेस्ट नहीं करेंगे और बाकी देशों को भी हम टेस्ट करने से रोकेंगे। तो न्यूक्लियर वेपन की जो होड़ मच गई है उस होड़ को हमें ख़त्म करना है और सभी देशों में शांतिपूर्ण माहौल बनाना है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी लगाया। इसका मतलब यह है कि कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार का इसका फुल फॉर्म है। ओके, DCA के बारे में देख लेते हैं। तो DCA कंप्यूटर में भी होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और एक DCA होता है जिसका मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। DD का मतलब डिमांड ड्राफ्ट, DC का मतलब डायरेक्ट करंट। जिस प्रकार से आपने AC के बारे में पढ़ा अल्टरनेटिव करंट, उसी प्रकार से DC है डायरेक्ट करंट। DMIC का मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ओके, तो इसे ध्यान रखेंगे, ये एक प्रकार से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जिसका मतलब ये होगा कि इस कॉरिडोर पे अगल बगल आप देखेंगे कि ढेर सारे इंडस्ट्रीज़ को क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा और उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो एक इंडस्ट्री को फलने फूलने के लिए जरूरी होता है। इट मीन्स कि उन्हें अच्छे रोड्स दिए जाएंगे, उनको बिजली की सप्लाई अच्छी दी जाएगी, अच्छे लैंड दिए जाएंगे, उनको पानी की सप्लाई अच्छे से दी जाएगी, उनको वेस्ट मटेरियल को डंप करने के लिए अच्छे से व्यवस्था दी जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए अच्छी व्यवस्था दी जाएगी, उनको सारी सुविधाएँ दी जाएंगी जो उनको अच्छे से डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। DA की बात करें, जो आपके सैलरी में मिलता है, DNS अलाउंस, इसका फुल फॉर्म होता है। DDT की बात करते हैं, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथीन, ठीक है, ये इन्फेक्टेंट के तौर पे काम करता है और ये एक दवा के रूप में है DDT, इसे भी ध्यान रखेंगे। DM के बारे में आप जानते ही होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। DNA का हो गया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। DPEP का फुल फॉर्म हो गया डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी। ओके, लगता है हमने इसका फुल फॉर्म देखा नहीं है। ओके, इस फुल फॉर्म को हम बाद में अगले वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं हम DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इस प्रकार से, और DTH का, DRDO का हो गया आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार से DTH की बात करें तो हम डायरेक्ट टू होम, आपके कई लोगों के घर पे ये चीज़ें सुविधा होंगी। और आपका ये जो DPEP है, इसका फुल फॉर्म आप लिख लेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, एजुकेशन प्रोग्राम आप इसमें यहाँ पे ऐड कर लेंगे, हालांकि अगले वीडियो में इसको हम एक बार फिर ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका DTF के बारे में, आपने देख लिया। साथ ही साथ EPFO के बारे में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो EPF अगर पूछा, केवल पूछा जाए तो आप लिखेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, लेकिन अगर पूछा जाए EPFO तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो यूरोप की स्पेस में रिसर्च करने की जो एजेंसी है और स्पेस के विभिन्न प्रकार के जो प्रोजेक्ट होता है उसको कार्य करने की जो एजेंसी है, जिस प्रकार से हमारे देश में इसरो कार्य करती है, उसी प्रकार के जो यूरोपियन यूनियन है उसका जो स्पेस एजेंसी है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नाम से जानी जाती है, जिसको हम शॉर्ट में ESA कहते हैं। EU, यूरोपियन यूनियन, इसका मतलब कि जो यूरोप महाद्वीप के कई सारे देश आपस में मिलकर के संगठन बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन। ECG क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये एक प्रकार से एक टेस्ट होता है। EG जो आप देखते हैं, एग्जाम्पल पूछा जाता है, कोई जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उसमें कई बार हमें एग्जाम्पल लिखने की जरूरत पड़ती है तो हम केवल EG लिख देते हैं। तो EG का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया। ओके, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ECT कन्वोलसेंट थेरेपी, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट, मतलब कि इसमें हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और उसके माध्यम से हम मरीज को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। एलिसा के बारे में आपने सुना होगा, एक प्रकार से ये एड्स की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे, इसे आप याद रखेंगे। EMI का, जो बैंक में से आप जब लोन लेते हैं तो आप EMI पे करते हैं, तो EMI का फुल फॉर्म क्या होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ओके, इसे आप ध्यान रखेंगे। EPROM का, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसे कंप्यूटर का, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ERNET का, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। इसी प्रकार से EVM मशीन, जो हम वोटिंग डालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसे ध्यान रखेंगे आप। इसके माध्यम से हम डायरेक्ट बस एक बटन प्रेस करके अपना वोट
दे सकते हैं। अब बात करते हैं FAO के बारे में, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो FAO है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वर्तमान में तो इसकी प्रासंगिकता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। FDI की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स कि जो विदेशी हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे देश के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और डायरेक्ट आता है उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फेमा का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दो बार लिखा गया तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का मतलब जब हम अपने देश की करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी में चेंज करते हैं तो उस वो जिसके तहत होता है वो फेमा होता है। कई बार इसमें इलीगलिटीज़ आती हैं जिसकी वजह से फिर फेमा कानून के अंतर्गत तो उसको अपराध भी समझा जाता है और फिर सज़ा भी दी जाती है, और फेमा कानून काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस प्रकार के आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए। FICCI का अर्थ हो गया फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसी प्रकार से FII इसका मतलब हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये भी एक प्रकार के इन्वेस्टर ही होते हैं विदेश के जो संस्थाओं के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही डीप इकोनॉमी की हैं तो आप इसे बस फुल फॉर्म के तौर पे याद रख लें। FPO क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। देखिए एक होता है IPO, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे, वैसे मैं प्रयास करूँगा कि अगले वीडियो में इसको मैं ऐड कर दूँ। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसका मतलब ये होता है मान लीजिए कि कोई कंपनी अगर इस्टेब्लिश की जा रही है तो उस कंपनी में जो पैसा लगा, मान लीजिए उस व्यक्ति का लगा जिस व्यक्ति ने उस कंपनी को खड़ा किया है, लेकिन अब उस व्यक्ति को लगता है कि अब उस कंपनी को और बड़ा करना चाहता है लेकिन उसके लिए उसके पास आवश्यक धन नहीं है, तो वो क्या करेगा, तो वो IPO जारी करेगा। IPO अपनी कंपनी जारी करेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी शुरुआती दौर में सबसे जो पब्लिक के लिए ऑफर देगा अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बनने के लिए, तो उसे IPO के माध्यम से वो जारी करेगा, तो जो लोग भी इच्छुक होंगे वो आकर के उसी कंपनी में IPO के माध्यम से उसी कंपनी का शेयर खरीद लेंगे। लेकिन अब अगर जब दूसरी बार उसको फिर लगता है कि नहीं अभी मुझे अपनी कंपनी और बड़ी करनी है तो वो क्या करेगा, तब वो दूसरी बार फिर से IPO जारी नहीं कर पाएगा, क्योंकि IPO सिर्फ आप कोई भी कंपनी सिर्फ एक बार जारी कर सकती है, वो भी जब पहली बार वो मार्केट से क्या करे पैसे को उठाए, तो जब तब दूसरी बार जब जारी करेगा तो वो जारी करेगा FPO यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो इसके बाद आप वो पैसा प्राप्त कर लेगा, फिर अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा और कंपनी को क्या करेगा, विकास करेगा कंपनी का, तो ये मतलब होता है FPO का। इसी प्रकार से FRBM का मतलब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जो हमारा वित्तीय जो हमारा वित्तीय रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ ही साथ जो उसका मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करता है। FTA का मतलब हो गया फ्री ट्रेड एरिया, और एक FTA होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी, तो उसे भी आप ध्यान रखें, दोनों का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मतलब लगभग एक ही होता है। क्योंकि ये मतलब होता है कि जो दो देश जिनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो एक दूसरे में दूसरे देशों में अपने माल को जो है बिना किसी टैक्स के क्या करते हैं, भेजते हैं और मंगाते हैं। इसी प्रकार से FBI के बारे में आपने सुना होगा, ये फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानी जाती है, अमेरिका की एक संस्था है तो बहुत पॉपुलर है। GCC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। देखिए गल्फ कंट्रीज के बारे में आपने सुना होगा, जैसे जो खाड़ी देश हैं फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, ओमान, UAE, ये सब जो देश हैं, कुवैत हैं, इराक हैं, ईरान हैं, ये सब जो देश हैं ये गल्फ कंट्री में आते हैं, ओके। और इन देशों का एक कोऑपरेशन, एक संगठन बना है जिसको हम कहते हैं GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। GDP की बात करें तो आप सभी इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे आप ज़रूर से ध्यान रखें। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे हम कहते हैं GDP, इट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GEF क्या होता है, ग्लोबल एनवायरमेंट फंड, एक प्रकार का फंड है जिसे वैश्विक आप देखेंगे कि जो एनवायरमेंट है उसको किस प्रकार से प्रिजर्व किया जाए, उसके लिए जो जो पैसे जो फंड की आवश्यकता है वो फंड यहाँ से हमें मिलता है। GNP क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देखिए एक देश की सीमा के भीतर जो भी चीज़ें उत्पादित की जाती हैं उस देश के लिए, ओके, उसमें जो आप देखेंगे मूल्यह्रास इत्यादि होता है उसको हटा दिया जाता है, और साथ ही साथ दूसरों देशों में जो जो भेजे जाते हैं पैसे उनको हटा दिए जाते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन एक देश के पास जितने भी उत्पादन होते हैं एक सेवा के रूप में या फिर एक वस्तु के रूप में वो सारे ही GNP के रूप में आएंगे, ये एक इकोनॉमी का पार्ट है। तो अभी आप बस इतना ध्यान रखें कि ये इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। GST के बारे में आप सभी जानते होंगे, आपके सामने की घटित हुई घटना है गुड्स एंड सर्विस
टैक्स। जीएमटी के बारे में आप सबने पढ़ रखा होगा बचपन में, ग्रीनविच मीन टाइम, जहाँ से एक समय का निर्धारण होता है, तो ये इंग्लैंड में मिलता पड़ता है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। देखिए, इसमें कुछ ऐसे होंगे जो आप सभी को आते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, तो मेरा आपको सुझाव यही रहेगा कि आप सभी इन सारे को ही देखें और पहले रीडिंग में आप इनमें इनको टिक करें। आपको PDF प्रोवाइड किया ही जाता है, तो उसमें आप पहले रीडिंग में टिक करें जो जो चीज़ें आपको पहले से आ रही हैं। उसके बाद दूसरे रीडिंग में आप उन चीज़ों को देखें जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, तो उन पर आप थोड़ा सा दूसरे कलर का टिक करें। इस प्रकार से करते करते दो चार रीडिंग आप करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। गगन की बात करते हैं, तो गगन एक प्रकार का आप देखेंगे कि नेविगेशन प्लेटफॉर्म है, और ये GPS एडेड है, यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग जो सिस्टम होता है इससे एडेड है। जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इट मीन्स एक नेविगेशन के कार्य आता है। गेल एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इसका फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। GPRS के बारे में आप सभी जानते होंगे, जब आप मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें GPRS नेटवर्क रहता है। जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, और GPS का फुल फॉर्म अभी हमने देखा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये हमने देखा जी से संबंधित जो हमें फुल फॉर्म देखने थे। SDI की बात करते हैं, इसका मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हर साल ये जारी किया जाता है, और इसके माध्यम से ये देखा जाता है कि किस प्रकार से जो मनुष्य हैं उनका विकास हो रहा है। HTML के बारे में आप जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहा है और कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है। HTTP भी इसी प्रकार से बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका मतलब होता है। HVDC हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट। अब हम बात करते हैं IAAI इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट मीन्स कि जो एयरपोर्ट पे संबंधित जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनसे संबंधित जो रेगुलेशंस होते हैं, जो अथॉरिटी होती है वो होती है IAAI। अब बात करते हैं हम IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखिए, ये जो IBRD है ना, इसकी स्थापना की गई थी जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आप जानते हैं कि दुनिया के कई देशों में बहुत सारी मतलब जो शहर थे उनके, जो जगह थे उनकी, उनके जो मकान थे, उनके जो इंडस्ट्रीज, मतलब कि कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो उनके थे वो बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। और बर्बाद होने की वजह से फिर वो देश अपने पैरों पे खड़े होने की स्थिति में नहीं थे, तो फिर उन देशों को चाहिए थे पैसे ताकि वो फिर से अपने देश को बना सकें। तो उन पैसों की कमी को पूरा करने के लिए IBRD की स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ध्यान रखेंगे। तो ये उसके बारे में छोटा सा आपको मैंने हिस्ट्री बता दिया। ICAR के बारे में आप सभी जानते होंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो एग्रीकल्चर संबंधित जितने भी रिसर्च होते हैं वो ICAR करता है। ICMR की बात करते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। IDA की बात करते हैं, ये है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये वैश्विक स्तर पर जो भी विकास के कार्य होता है उसके लिए फंड करता है। IFSC की बात करते हैं, आप सभी इसको अपने पासबुक में देख सकते हैं, IFSC कोड पूछा जाता है, तो इसका मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम मनाते हैं 1 मई को आई गेस। IMO की बात करें तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार से INR, आप देखते होंगे कई जगहों पे INR लिखा होता है, कई पैकेट्स, कोई भी अगर आप पैकेट खरीदते हैं तो उस पर INR लिखा रहता है, इसका मतलब होता है इंडियन रुपी, और उस पर उसका MRP फिर लिखा होता है, प्राइस लिखा होता है, तो इनका INR का मतलब, INR का मतलब इंडियन रुपी। इंटरपोल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो इंटरपोल क्या है, देखिए ये है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप ध्यान रखें इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब सीधा से यह है, देखिए इसका मुख्यालय आई थिंक फ्रांस में है, और यह जो संस्था है यह विश्व के पुलिस का आपस में समन्वय स्थापित करती है। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इंडिया में अपराध करता है, क्राइम करता है, और वह व्यक्ति फिर भाग करके किसी दूसरे देश में चला जाकर छिप जाता है, वहाँ पर रहने लगता है, तो इंडिया का जो पुलिस लॉ है वो तो इंडिया में अप्लाई होता है, तो इंडिया के पुलिस वाले यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे उसे पकड़ नहीं सकते। अब दूसरे देश में पकड़ना है तो अब इंडिया के पुलिस वाले कहाँ कहाँ ढूंढेंगे उसको, तो अब ये सारे देश में तो घूम के ढूंढ नहीं सकते उसको, भाई चलो ढूंढते हैं, टूर करते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो क्या होता है फिर प्रयास ये होता है कि इसे इंटरपोल से नोटिस, लुकआउट नोटिस उसके लिए जारी करवाई जाती है, या फिर उसको पकड़ने की नोटिस जारी करवाई जाती है। अब इंडिया में जो इंटरपोल का जो मतलब जो एक तरह से एजेंट है, उसे कह सकते हैं CBI है, ओके। तो अब जब इंटरपोल से उसके प्रति खिलाफ नोटिस जारी हो जाएगी उस अपराधी के खिलाफ, तो अब वो अपराधी जो है जिन जिन देशों में जाएगा वहाँ वहाँ की पुलिस के लिए वो वांटेड रहेगा, तो इससे आसानी से पकड़ सकते हैं उसको। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक देखते हैं बहुत ही हेल्पफुल एक ऑर्गेनाइजेशन है ये।
IPCC की बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। IPO के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब हम FPO के बारे में पढ़ रहे थे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, उस समय मैंने आपको बताया था कि IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, देखिए जब भी आप कोई नया चीज़ इनोवेट करते हैं तो आपका एक उस पर राइट्स बनता है कि हाँ ये चीज़ आपको बिलोंग करती है, और उसको उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, उसका कॉपीराइट लेते हैं, ठीक है। तो वही होता है IPR कि आपका जो इंटेलेक्चुअल है, आपने कुछ नया किया है तो फिर उस पर आपका अधिकार बनता है, कोई से चुराना नहीं चाहिए किसी को। IRDA की बात करें तो इसे हम कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। हमारे देश में जो इंश्योरेंस जो कंपनियां होती हैं उनको जो रेगुलेट करने का कार्य होता है वो IRDA करता है, इसे हम शॉर्ट में IRDA कहते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। ISO की बात करें तो इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। ISS का मतलब हो गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो हमारे आप देखेंगे कि लोअर थर्ड ऑर्बिट में स्थापित है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये उसका फुल फॉर्म है। INA का अर्थ हो गया इंडियन नेशनल आर्मी। IST का मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो हमारा टाइम दिखाता है मोबाइल पे, या फिर आप कहीं देखें कंप्यूटर पे देखें तो आपको IST दिखेगा कि इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम क्या है। IGNOU के बारे में आप सभी सुनते होंगे, दिल्ली में स्थापित एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसका मतलब कि आप यहाँ से घर बैठे ही आप यहाँ से कोई भी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे पढ़ाई करके, और आपको स्कूल या क्लासेस अटेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप बस आपको एग्ज़ाम देने होंगे, और ये मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं एडमिशन करवाने के बाद। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो कि विश्व में यह देखता है कि कौन सा देश बैलेंस ऑफ क्राइसिस से जूझ रहा है, कौन सा देश जिसके पास पैसे इतने नहीं हैं कि वो अपने रोज़मर्रा के कार्य को चला सके, उन प्रकार के देशों को ये क्या करता है, हेल्प करता है। इनसैट की बात करें तो आप इनसैट का मतलब हो गया इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ओके। INS के बारे में आप बहुत सुनते होंगे, INS जैसे INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS सुमेधा, INS कीर्ति, ये सब सुनते होंगे तो आप सोचते होंगे INS का मतलब क्या है। तो INS का मतलब हो गया इंडियन नेवल शिप, सिंपल सा, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। IPC के बारे में आप सभी जानते होंगे, इंडियन पिनल कोड, जिसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि कौन से क्राइम के लिए क्या सज़ा दी गई है और किस प्रकार से उस सज़ा को देना है, वो CRPC में आता है। IPC में कौन सी सज़ा किस क्राइम के लिए वो दिखाता है, ओके। IQ के बारे में सभी जानते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट, और ये दिखाता है कि कौन सा व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। IRS का अर्थ हो गया इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और IRS का एक पद नाम भी होता है, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जब आप UPSC के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे तो उसमें आपको प्रेफरेंस के तौर पर IAS, IPS, IRS वहाँ पे एक मिलता है पद। ISI का फुल फॉर्म हो गया इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसरो जो कि हमारी एक अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ITP जो हमारा इंडो तिब्बत, इट मीन्स कि भारत और चीन, इट मीन्स जो भारत के साथ चीन की लगती सीमा है उस पर जो गार्ड करता है वो है आपका ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ओके। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, आप सभी जानते हैं किसी भी इंटरनेट का जो IP एड्रेस होता है उसके बारे में बात करता है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना के साथ हमारा लगता है। लेजर, आपने सभी फिजिक्स में पढ़ा होगा, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसे ध्यान रखेंगे, बहुत ही हिट क्वेश्चन है। LIC जो कि हमारे जीवन की रक्षा के लिए बना है, और इसको हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और भारत का एक बहुत ही प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत प्रॉफिटेबल संस्था है, और जब भी कोई दूसरी कंपनी भारत सरकार की डूबती है तो LIC उसको पैसा देकर के उसको फिर से रिवाइव करती है, इतना ये प्रॉफिट कमा के देती है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान के साथ लगती सीमा है। LPG के बारे में आप जानते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। लिट्टे LTE, देखिए ये श्रीलंका की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, हालांकि अभी ये बहुत ज़्यादा प्रामिनेंट नहीं है, ये ख़त्म की जा चुकी है, जो लिट्टे प्रमुख था उसको मारा जा चुका है। तो ये जो है एक श्रीलंका संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है। जिस प्रकार से आपने लेजर के बारे में फुल फॉर्म पढ़ा, उसी प्रकार से मेजर के बारे में पढ़ लीजिए, माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बस एक डिफरेंस है, ओके। MBBS, बहुत से लोगों का ख्वाब होगा MBBS करने का, हालांकि मैं ये अज्यूम करता हूँ कि अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका जो मेन लक्ष्य होगा वो तो टीचर बनना ही होगा, टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना होगा। फिर भी जानते रहें कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इसे हम कहते हैं MBBS, और MD हो गए तो मास्टर, क्या कहेंगे उसे, मास्टर ऑफ मेडिसिन, नहीं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ओके, हाँ दिया तो है, तो हमने MD का मतलब हो गया डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। मकोका एक कानून है, जो कि तब लेकर आया जाता है जब वर्तमान में जितने कानून हैं वो अपराधियों को, अपराध
का दंड देने के लिए अयोग्य हो जाते हैं, तब मकोका जैसे कानून को लेकर आया जाता है और उसमें बहुत सारी छूट को जो है ख़त्म कर दिया जाता है। इसमें इट मीन्स कि इसमें जमानत नहीं मिलती, वकील करने की सुविधा भी नहीं मिलती है और आपको बिना पूछे जो हिरासत में ले लिया जाता है और कई सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसे हम कहते हैं फुल फॉर्म इसका है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसे कानून नहीं है, ये गुजरात में भी है। गुजरात में गुजकोका के नाम से है, गुजकोका गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट। यूपी में है यूपी कोका के नाम से, उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ क्राइम ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट। तो इस प्रकार से हर राज्य में अपना अलग अलग है। एमडी के बारे में हमने देख लिया। एमएफएन का मतलब हो गया मोस्ट फेवर्ड नेशन। जब भी कोई देश किसी दूसरे देश को एमएफएन का दर्जा देता है तो इसका मतलब ये होता है कि वह उस देश के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, कोई एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज नहीं करेगा, कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी इम्पोज नहीं करेगा, तो उसे हम कहते हैं एमएफएम का दर्जा देना। एमएलए के बारे में आप सभी जानते हैं, जो विधायक होते हैं जो कि राज्य के असेंबली में बैठते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और एमएलसी जो कि विधान परिषद के सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमपी लैंड्स के बारे में आप जान लें, जो हमारे देश के सांसद होते हैं, जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके बारे में है ये। एमपी लैंड्स मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। देखिए हर एमपी को एक साल में 5 करोड़ रुपये मिलते हैं, जितने भी सांसद होते हैं हर एमपी उनको 5 करोड़ रुपये पर ईयर मिलते हैं। इट मीन्स कि उनके पूरे कार्यकाल में 25 करोड़ रुपये उनको मिलते हैं। क्या करने के लिए? उनके क्षेत्र विशेष में कोई भी अगर विकास का कार्य करवाना है तो उसमें पैसा खर्च करने के लिए। तो 5 करोड़ जो मिलता है उसी वो जो मिलता है 5 करोड़, उसको हम एमपी लैंड स्कीम के नाम से जानते हैं। एमटीसीआर क्या होता है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। यह एक इंटरनेशनल एक ग्रुप है जिसमें वे दोस्त शामिल हैं जो मिसाइल्स से संबंधित ढेर सारी टेक्नोलॉजी को अपने पास रखते हैं और उसको कंट्रोल भी करते हैं, एक दूसरे देश को ट्रांसफ़र करने के लिए कंट्रोल भी करते हैं। और भारत इसका एक सदस्य भी है, लेकिन इसका चीन सदस्य नहीं है। नाबार्ड की बात करते हैं तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए एक ऐसा बैंक है जो कि उन संस्थाओं को लोन देता है। देखिए ये किसानों को लोन डायरेक्ट नहीं देता है, यह उन संस्थाओं को लोन देता है जो किसानों को लोन देते हैं, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में होते हैं, रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में होते हैं। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे आप। नाफ्टा क्या है? यह है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है जिसमें आपका 10 देश टोटल आते हैं और ख़ास करके जो कनाडा, अमेरिका और साथ ही साथ मैक्सिको वाला जो एरिया है, ये आपस में ट्रेड कर रखे हैं, जिसको नाफ्टा के नाम से जाना जाता है कि ये आपस में फ्री ट्रेड करते हैं। नासा जो कि यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह एक सैनिक संगठन है जिसमें नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के देश और साथ ही साथ यूरोप के देश जुड़े हैं। और इसमें ये देखेंगे आप कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ये लगातार कार्य में है, 1949 से ये कार्य कर रहा है और अभी वर्तमान में भी ये एग्जिस्ट करता है। एनसीबी की बात करें तो नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि ड्रग्स के संबंधित केसेस को डील करता है। एनसीईआरटी आप सभी जानते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स भी आपने पढ़ी होगी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। इसी प्रकार से हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए का फुल फॉर्म हो गया नेशनल डिफेंस एकेडमी। और नीट की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ से आप जिसके माध्यम से आप इंजीनियरिंग इत्यादि कर सकते हैं। नोएडा जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, इसका फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। NPCIL का फुल फॉर्म क्या हो गया? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि पावर कॉर्पोरेशन के फील्ड में इंडिया का एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक समझ सकते हैं कि एक कंपनी है। ओके, NPP का मतलब हो गया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी और NPT का मतलब हो गया न्यूक्लियर नॉन प्लॉरीफ्रेशन ट्रीटी। देखिए ये जो NPT है ना, इसका मतलब ये होगा कि वे मतलब जो देश अभी तक न्यूक्लियर वेपन प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वो देश न्यूक्लियर वेपन न ले पाएँ और उनको NPT साइन करवा लिया जाए ताकि वो न्यूक्लियर वेपन को बना ना सकें। ये उससे संबंधित है। भारत ने भी और पाकिस्तान में भी इसको अभी साइन नहीं कर रखा है। NRI का मतलब हो गया जो कि विदेश में रहते हैं लेकिन भारतीय होते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन। NSCN एक प्रकार से एक ग्रुप है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। नागालैंड का एक ग्रुप है जो कि उग्रवादी ग्रुप है और ये अपनी मांगों को लेकर लगातार चर्चा में रहता है। NSSO क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये विभिन्न प्रकार के जो स्टैटिस्टिकल जो रिपोर्ट्स होते हैं उनको जारी करता है भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय से। NTPC का मतलब हो गया नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ओके, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। OECD का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसे भी ध्यान रखेंगे। ये भी एक गल्फ कंट्रीज़ के देशों का संगठन है। OIL का मतलब हो गया ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में आपको पहले से पता होगा। ONGC का अर्थ हो गया ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ओके, ये भी एक कंपनी है जो कि भारत सरकार की है। OPEC का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। देखिए OPEC का अर्थ कि ऐसे देशों का संस्था, ऐसे देशों का समूह जो देश क्या करते हैं, जो
तेल होता है, जो पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम जो होता है उसको बेचते हैं। तो जैसे जो गल्फ कंट्रीज़ हो गए, सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, ये सब जो देश हैं, इन देशों में पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये देश क्या करते हैं, ये देश जब चाहे तब पेट्रोलियम का उत्पादन कम करके उसके दाम को बढ़ा सकते हैं, जब चाहे तब पेट्रोलियम के उत्पादन को बढ़ा करके उसके दाम को कम कर सकते हैं। तो ये देश आपस में एक संगठन बना रखे हैं, उसमें ये डिसाइड करते हैं कि कब दाम बढ़ाना है और कब घटाना है। तो वही एक संगठन है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। पीसीएस एग्ज़ाम्स जो होते हैं स्टेट्स में, उसका फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। और जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस का इंडियन पुलिस सर्विस, आईआरएस का हमने अभी बात किया इंडियन रेवेन्यू सर्विस। पीआईबी का मतलब हो गया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि भारत सरकार का है। पीआईएन इसका मतलब आपका जो पिन पूछा जाता है कई बार, आपके स्टेट का पिन, सॉरी आपके डिस्ट्रिक्ट का पिन होता है, आपके एरिया का पिन होता है, तो वो होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, जहाँ पे आपका पोस्ट का एक तरह से समझिए कि सिंबल होता है। पीएनआर, जो आप जब भी आप रेलवे में अपना टिकट बुक करते हैं तो आपको एक पीएनआर नंबर मिलता है, जिसका मतलब होता है पैसेंजर न्यूमरल रिकॉर्ड, ओके, उसी में रिकॉर्ड रहता है। पीटीआई का मतलब हो गया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीडब्ल्यूडी जो कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, काफ़ी वर्क करता है ये। रडार का फुल फॉर्म हो गया रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। रा जो हमारे देश का एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, यह क्या करता है, ये खुफिया एजेंसी है जो कि विदेशों में भारत के लिए सूचनाओं को एकत्रित करता है, ओके। आरडीएक्स जो कि एक विस्फोटक है, इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ओके। आरएमएस रेलवे मेल सर्विस, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का हमने पहले ही देख रखा है। अब आई बात करें सार्क के बारे में, सार्क एक प्रकार का संगठन है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। देखिए इसमें इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, सॉरी एंड जो आपका ये श्रीलंका, ये देश इसमें आते हैं। और ये एक दूसरे से क्या है, मतलब जुड़े हैं इस संस्था के माध्यम से। तो इसका मतलब हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साई की बात करें तो साई होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल, जिस प्रकार से हमने गेल की बात की, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसी प्रकार से सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। SATO का मतलब हो गया साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जिस प्रकार से आपने नाटो के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से साटो है, ओके, जो साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है। SDR का मतलब हो गया स्पेशल ड्राइंग राइट्स। देखिए एक प्रकार का एक यह पत्र होता है जो विभिन्न देश जारी करते हैं किसी को भी अगर पैसा उधार देना होता है उसके लिए। सेबी का मतलब हो गया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए जो शेयर मार्केट का जितना भी सारा काम होता है वो सेबी रेगुलेट करती है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही प्रोमिनेंट संस्था है। PSLV, GSLV के बारे में हमने पढ़ रखा है, ASLV के बारे में हमने पढ़ रखा है। अब ये SLV क्या होता है, सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। STD के बारे में आपने बहुत सुना होगा, इसका मतलब हो गया सब्सक्राइबर स्ट्रंक डायलिंग। TB का फुल फॉर्म हो गया ट्यूबरकुलोसिस। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप देखेंगे कि IRDA जो होती है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी होती है, उसी प्रकार से जो ट्राई होती है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट मीन्स जो जितने भी टेलीकॉम कंपनियाँ होती हैं, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, इन सबको जो रेगुलेट करने का काम होता है वो ट्राई करती है। UGC के बारे में आप सभी जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि उच्च क्लासेस को चलाने में कार्य करती है। अंकलाज क्या होता है, अंकलाज देखिए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ सी। ये समुद्र में किस प्रकार से विभिन्न देश अपना अधिकार रखेंगे, किस प्रकार समुद्र में वो विचरण कर सकेंगे, समुद्र में किस प्रकार से वहाँ का संसाधन ये ग्रहण कर सकेंगे, उन पर संबंधित जितने भी कानून हैं वो सारे कानून अंकलाज के अंतर्गत बनाए जाते हैं। UNDP की बात करें तो इसका मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी प्रकार से UNEP का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। UNFCCC का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNSCR का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। यूनिसेफ का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। USSR का मतलब हो गया यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। देखिए अभी तो ये USSR अब तो है नहीं, ये तो विघटित हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप इसके फुल फॉर्म को जानते रहें। WHO आज लगातार आप सुन रहे हैं, जिस प्रकार से COVID-19 जो पेंडेमिक है ये लगातार बढ़ रहा है, WHO बारे में आप सभी जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WIPO के बारे में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अभी हमने कुछ देर पहले बात करी थी कि जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है उसके बारे में, तो ये WIPO जो है उसी सब तरह तरीके का संस्था जो कि वर्ल्ड लेवल पर कार्य करता है, आपके क्रिएटिव आइडियाज़, आपके क्रिएटिव चीज़ों को, आपके मेथड को, उसको क्या करता है, ये एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है, ओके। WMO का मतलब हो गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मौसम के बारे में संबंधित जानकारियों को देता है।
WWF का मतलब हो गया वो रेसलमेनिया वाला नहीं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका मतलब ये हो गया कि जो वन्य जीव होते हैं उनको किस प्रकार से उनको बचाने के लिए जो फंड हो उसकी व्यवस्था किया जाए। इसी प्रकार से यूनी स्पेस का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस, जिस प्रकार से हमने देखा कि समुद्र का पीसफुल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अंक्लॉज कानून बनाया गया, उसी प्रकार से जो आउटर स्पेस है उसका पीसफुल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए यूनी स्पेस जैसा कानून बनाया गया। गूगल का फुल फॉर्म मैंने ऐसे ही डाल दिया, आप इसको जानते रहें, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। अगर वैसे आप लोग को अब चाहिए कि आप लोग याहू का फुल फॉर्म बताएं कमेंट।